दोस्तों, आप सब कैसे हो? आज हम बनाएंगे गोभी के पराठे और इसको हम धो लिए हैं, अब इसको हम घिसेंगे। चलिए, हम घिसने वाला भी लेके आ गए हैं, अब घिस लेते हैं। इसको घिस के छोटा छोटा पीस करना है, तो चलिए हम घिस लेते हैं। चलिए दोस्तों, हमने घिस लिया है और इसमें हम बता देते हैं क्या क्या हम डालेंगे। देखो, हम 2 प्याज लिए छोटा, और ये बारीक कटी लहसुन लिए हैं, हरी मिर्ची लिए हैं, ये थोड़ा सा अदरक भी लिए हैं कटी, और इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे। तो चलिए हम मिलाते हैं इसको। चलिए दोस्तों, हम इसमें प्याज डाल देते हैं और ये लहसुन भी डाल देते हैं, ये हरी मिर्ची डाल देते हैं, और ये रहा अदरक। छोटा अदरक ऐसे पीस कट कर लेना, चाहे आप घस सकते हो, इसको घस के भी डाल सकते हो। और ये धनिया, और इसमें हम थोड़ा से हल्दी डालेंगे। हल्दी डाल देंगे तो थोड़ा हल्का हल्का ये कलर भी अच्छा आ जाता है। दोस्तों, हम इसको मिला लिए हैं अच्छे से, और इसमें हम नमक नहीं डालेंगे। नमक डाल देंगे तो इसमें से थोड़ा थोड़ा ऐसे पानी छोड़ने लगेगा, गीला हो जाएगा, हम इसमें नमक नहीं डालेंगे। चलिए दोस्तों, हम इसको आटा को भी गूंथ लिए हैं, गूंथ के पहले से ही रख दिए थे, क्योंकि थोड़ा सा गूंथ के पहले से रख दोगे तो आटा और अच्छा मुलायम भी हो जाता है, अच्छे से फूल भी जाता है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। गोभी के पराठ को ऐसे दबा के भर देते हैं अच्छे से। देखो दोस्तों, हमारा ये हो गया। खे दोस्तों, ऐसे ऐसे हल्का हाथ से बेलना, क्योंकि ये तो फटेगा ही, ये गोभी है। खे दोस्तों, हमने ऐसे राउंड बना लिए हैं। चलिए, तवा पे डाल दिए हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारा गोभी का पराठा कैसा बना है। दोस्तों, हमारा गोभी का पराठा बन गया है, देखिए हमारा गोभी। और ये हम टमाटर का चटनी भी बनाए हैं। चलिए दोस्तों, हमारा तो गोभी का पराठा और चटनी बन के रेडी है। और हमारा गोभी का पराठा कैसा लगा, आप सब कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे का वीडियो देखने को मिले। तब तक के लिए बाय बाय।